हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू चैनल। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं हो ओ। तो ये कैसा लेजेंडरी पोकेमोन है गाइस, जो कि तिरंगा पहने हुए उड़ता है गाइस। तो काफ़ी शानदार पोकेमोन है। लेट मी शो यू गाइस हाउ इट लुक लाइक। तो यहाँ चलते हैं। सो गाइस, ये है मेरे पास पोकेमोन हो, जो कि मुझे मिला था गाइस रिवॉर्ड में, थ्रोबैक चैलेंज में मिला था गाइस ये। तो ये गाइस पोकेमोन है। तो आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं कि इसको हम कैसे कैच करेंगे, बिना रेड के, विद रेड के बेस्ट काउंटर क्या होंगे गाइस, प्लस क्या इसके बेस्ट मूवसेट है, कौन सी लीग में बेस्ट है गाइस। तो वो सब हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, क्या इसकी वीकनेस है, सब कुछ ए टू जेड कवर होने वाला है इस वीडियो में गाइस। तो गाइस, अगर पहली बार चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो शेयर कर देना, और वीडियो में कुछ बुरा लगे तो डिसलाइक करना और कमेंट करना क्या गलत था इसमें। चलो गाइस, शुरू करते हैं वीडियो फटाफट से। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं कि हो। सो गाइस, ये एक ऐसा पोकेमोन है जो कि फायर एंड फ्लाइंग टाइप पोकेमोन है गाइस। फायर एंड फ्लाइंग टाइप देख के गाइस आप लोग के दिमाग में आ चुका होगा कि इसको हम लोग अकेले पेल देंगे। बिल्कुल सही सोच रहे हो। अगर आपका लेवल अच्छा है तो आप दो दोस्त मिलकर पेल सकते हो इसको। इसकी वीकनेस गाइस आप बहुत क्लियर है, फ्लाइंग है, प्लस फायर टाइप पोकेमोन होने की वजह से इसकी जो वीकनेस है गाइस, ये डबल वीक है रॉक टाइप पे गाइस। तो आपके पास ऐसा कोई पोकेमोन है गाइस जो कि प्योर रॉक फॉर्म का पोकेमोन है, जिसके पास अटैक है गाइस रॉक, दोनों अटैक रॉक टाइप है गाइस, तो आप इसको इजीली ख़त्म कर सकते हो। तो सबसे पहले गाइस, रैम्पैडोस गाइस एक ऐसा पोकेमोन है जो कि आप लोग यूज़ कर सकते हो, बेस्ट रहेगा गाइस। तो गाइस ये एक ऐसा पोकेमोन है जो कि सबसे बेस्ट रहेगा इसको टैकल करने के लिए, अगर ये आपके पास अच्छे लेवल का है या फिर अच्छी सीपी का है गाइस, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। दूसरा गाइस एक बेस्ट पोकेमोन है गाइस, जो कि आपका रहेगा रिपीरियर, जो कि सबके पास है गाइस, सबके पास। तो मैं ये सारे रिपीरियर लेके जाने की कोशिश करूँगा, बस इसके अटैक्स में देखिए गाइस, रॉक ब्रेकर एक ऐसा अटैक है जो कि काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। अगर रॉक ब्रेकर है तो आप लेके जा सकते हो, स्मैक डाउन प्लस रॉक ब्रेकर चाहिए बस, एक बार ये समय लगा दो, खड़ा कर दो गाइस, ये इनफ है गाइस। रिपीरियर, सिक्स रिपीरियर इज इनफ, और अगर आप लोग बेस्ट फ्रेंड हैं तो ये इनफ गाइस। तो मैं भी इसका डुओ करने वाला हूँ कल, लेट्स सी गाइस राणा जो है सुबह उठ पाते हैं कि नहीं उठ पाते हैं। कल का क्या टाइमिंग है गाइस, वो टाइमिंग भी बताएंगे बाद में, क्योंकि टाइमिंग क्या इंडिया के हिसाब से नहीं होती, कभी कभार टाइमिंग होती है भैया वो PDT 8 क्या होता है। तो गाइस यहाँ पर इन्होंने दिया है टाइमिंग है गाइस, ओके गाइस, तो ये हम लोगों को 2 तारीख को मिलेगा, शायद 2 तारीख को हमको मिलेगा, कल नहीं मिलेगा गाइस, 2 तारीख को मिलेगा। जब भी आप वीडियो देख रहे हैं 2 तारीख को रेडी रहना गाइस इस पोकेमोन के लिए। तो यहाँ पर रिपीरियर हो गया गाइस। अगर आप लोगों के पास लेजेंडरी पोकेमोन है जिसका नाम है गाइस टेरिकेन, तो आप उसको भी कैरी कर सकते हैं। तो मेरे पास है टेरिकेन भी गाइस, स्मैक डाउन प्लस रॉक स्लाइड, रॉक अटैक होने कंपलसरी है गाइस, टेरिकेन भी चलेगा। अब ऐसा कोई रॉक अटैक वाला पोकेमोन लेके मत चले जाना जो कि स्टील टाइप हो, क्योंकि वो दिक्कत कर सकता है, ठीक है। ट्राइनेटर, लैंडोरियस, तो गाइस आप लोग ट्राइनेटर भी लेके आ सकते हैं। तो ये कुछ पोकेमोन दिखा दे रहा हूँ जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। यार स्पेलिंग क्या है इसकी, क्या कर रहे हो प्रवीण भैया, वीडियो चल रही है। तो गाइस ये आप पोकेमोन यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास है। ट्राइनेटर भी यूज़ कर सकते हो, स्मैकडाउन प्लस स्टोन एज। उसके बाद गाइज आप लोग यूज़ कर सकते हैं लैंडोरियस गाइज, ये वाला पोकेमोन यूज़ कर सकते हैं, बस अटैक में थोड़ा सा रहेगा आपको रॉक थ्रो प्लस रॉक स्लाइड, ये अटैक्स होने चाहिए। उसके बाद आप लोग एरोडेक्टाइल यूज़ कर सकते हैं गाइज, एरोडेक्टाइल हो गया, गीगालिथ हो गया, ओमेंस्टर हो गया, गुलेम हो गया, एलोलन गुलेम, और गाइज अगर मेगा एवोल्यूशन आप लेना चाहें तो आप यूज़ कर सकते हैं मेगा ब्लास्ट वाइज कैन ऑल्सो वर्क देयर। तो ये गाइस कुछ मैंने आपको बेस्ट काउंटर दिखा दिए। अब बात करते हैं यहाँ पर हम लोग कि इसको बिना रेड्स के कैसे पकड़ा जाए। तो बिना रेड्स के पकड़ने के लिए गाइस, अगर आप लोग अभी देखो Season 6 चल रहा है, मैं अपनी भाई दिखा देता हूँ गाइस, मेरी रैंक है गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं, रैंक है 10 गाइस, बहुत गंदा खेल रहा हूँ, ठीक है कंप्लेन मत करना। तो 50% से ऊपर हमारा चल रहा है रेशो, विनिंग रेशो। तो ये गाइस है हमारी रैंक 20 पे गाइस अगर रिवॉर्ड्स में जाएंगे तो यहाँ क्यूरम दिख रहा है। तो गाइस
2 तारीख के बाद से क्यूरम हट जाएगा और हो आ जाएगा गाइस। तो इसके बाद आप लोग कर सकते हैं इजीली बिना रेट्स के, इसको पकड़ सकते हैं, रिमोट रेट पास भी बच जाएंगे और लेवल 20 रैंक 20 कर लो यार, 2 दिन है, हो जाएगा। रैंक 20 करना सबसे इजी काम है मेरे को लगता है गाइस। सिर्फ आपको मैच खेलना है, अगर आप 5 में से 2 या 3 मैच भी जीत रहे हो तो भी रैंक बढ़ रही है आपकी। भाई मैं पहुँच गया रैंक 20, परसों पहुँच गया था, अभी भी रैंक 20 बैठा हूँ। सो गाइस रैंक 20 इज़ वन ऑफ द इजिएस्ट वे टू कैच लेजेंडरी पोकेमोन्स। तो ये हो गया गाइज आपका बिना रेट्स के पकड़ने का। बात करते हैं शाइनी, शाइनी हो का अवेलेबल है, बिल्कुल अवेलेबल है गाइज। तो शाइनी पोक्यू शाइनी कैसे मिलेगा अब उसकी बात करते हैं गाइज। तो मैं यहाँ पर लगा दूंगा आई बटन पे एक वीडियो और डिस्क्रिप्शन पे भी डाल दूंगा जहाँ पर हम लोगों ने स्टडी की है गाइज, और मैंने वहाँ बताया है कि कितने चेक पे आपको लेजेंडरी पोकेमोन्स मिल सकते हैं। तो वो एक एवरेज मैंने वहाँ बताया है, बहुत सारे शाइनी लेजेंडरी पोकेमोन्स को मैंने चेक किया है और मैंने बताया कि वो कितने चेक पे मिला है। तो आप लोग चेक कर लेना गाइज वो वीडियो, वहाँ पर आपको चल जाएगा पता कि कितनी रेट्स पे आपको शाइनी मिल सकता है, ठीक है। तो मेन मोटिव शाइनी नहीं होना चाहिए, मेन मोटिव होना चाहिए आपका हुंडो। 100 EV का मिल जाए, वेदर बूस्ट मिल जाए गाइज। तो बात करते हैं इसका वेदर बूस्ट कैसा होगा। तो गाइज देखो इसका वेदर बूस्ट मैं बताऊंगा नहीं, आपको क्या करना होगा, कमेंट करना होगा गाइज। कैसे कमेंट करोगे आपको पता है किसका वेदर बूस्ट क्या होगा? जिन जिनको पता है गाइस कमेंट करना कि कौन से वेदर में हो वेदर बूस्टेड होगा गाइस। तो ये फ्लाइंग भी है और फायर भी है, तो समझ जाओ कौन सा वेदर होगा, ठीक है। दोनों गाइस वेदर के ही नाम है, फ्लाइंग भी एक वेदर है और फायर भी एक वेदर है, मतलब समझ जाओ तुम लोग, ऐसा क्लियर नहीं है बट समझ जाओ गाइस। तो गाइस अब बात करते हैं इसकी 100% IV के बारे में। तो ये कौन सी मतलब CP का होगा जो 100% होगा? अगर आप लोग इसको नॉन बूस्ट में कर रहे हैं गाइस, मतलब वेदर बूस्ट नहीं है, तो गाइस आपको मिलेगा 2207, 2207 CP का मतलब 100 IV का होगा। इफ़ यू आर डूइंग बूस्टेड रेट तो आपको मिलेगा 2759, समझिए गाइस आप लोग, 2759 में गाइस अगर आप करते हो तो आपको मिल जाएगा ये बूस्टेड, मतलब 100 IV है गाइस। तो ये तो हो गया गाइज इसका हो के बारे में, कैसे पकड़ना है, कैसे पेलना है, सब कुछ हो गया। और इसकी मैक्स CP गाइज होती है 4367, जो कि आप कर सकते हो। और अब बात करते हैं इसके बारे में गाइज, कौन सी लीग के लिए बेस्ट रहेगा। तो जिन लोगों को पता है वो कमेंट कर देना कौन सी लीग के लिए बेस्ट रहेगा, प्लस जिन लोगों को पता है इसके बेस्ट मूवसेट क्या होंगे वो लोग भी कमेंट कर देना गाइज। तो गाइज ये रहेगा सबसे बढ़िया मास्टर लीग के लिए। मास्टर लीग में गाइस ये करता है 6th रैंक कवर गाइस, तो आप लोग भी रेडी रख लेना गाइस। और मैं कहूँगा मिनिमम आपको 6 पकड़ने हैं, मिनिमम 6 हो रखने ही रखने हैं गाइस, ठीक है गाइस। तो ये मास्टर लीग में अच्छा क्यों है, मास्टर लीग में अगर बात किया डियाल्गा मेल मेटल ग्राउडोन भी ले लो गाइस, गिराटिना भी ले लो और टोकिस भी ले लो गाइस, इन सबके ऊपर ही काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। बेस्ट मूव सेट पे आते हैं गाइस फटाक से गाइस, तो बेस्ट मूव सेट हम बना देते हैं इसका। तो चलते हैं आइटम्स में और फास्ट टीम बहुत ज़्यादा है हमारे पास। ओके गाइस तो ये इसके बन गए बेस्ट मूव सेट। अभी क्या है कि एक और मूव चाहिए जो कि है ब्रेव वर्ड। तो अर्थ क्विक इज़ अ लेगेसी मूव, तो अर्थ क्विक के लिए आपको यूज़ करना पड़ सकता है गाइस एलाइट चार्ज टीम, तो एलाइट चार्ज टीम यूज़ कर लो। और ब्रेव वर्ड आपको ऐसे ही मिल जाएगा, इंसेनरेटर बोलते हैं ना, ये भी आपको इंसेनरेट भी ऐसे ही मिल जाएगा गाइज। तो इंसेनरेट एक फाइट टाइप अटैक है गाइज और अर्थ क्विक तो आप समझिए गए होंगे। तो ये दो अटैक अगर आपके पास हैं तो मज़ा आने वाला है, मतलब 3 अटैक। उसके बाद गाइज हम वीकनेस की बात करें तो भाई जैसे फ्लाइंग और फायर एंड फ्लाइंग टाइप पोकेमोन है तो डबल वीक टू रॉक है, और इलेक्ट्रिक से भी वीक रहेगा गाइज, वाटर से भी वीक है गाइज, रेजिस्टिविटी काफ़ी अच्छी है, ग्रास बग स्टील ग्राउंड फायर फाइटिंग एंड फेरी। तो ये था इस पोकेमोन के बारे में, आई होप हम लोगों ने सब कुछ कवर कर दिया है, अगर कुछ छूट गया हो तो कमेंट कर देना। तो गाइज ओवरऑल दिस इज हो ओह, और ये पोकेमोन आपको पकड़ना है। मेरे वाले की CP इतनी कम इसलिए क्योंकि ये रिवॉर्ड वाला है, रिवॉर्ड में जब मिलता है तो उसकी CP कम ही रहती है,
बाकी अब देखो कल पकड़ेंगे, देखना बूस्ट कल नहीं मतलब जब भी हम पकड़ेंगे बूस्टेड ही पकड़ने की कोशिश करेंगे। और अगर आप लोग डुओ कर रहे हो तो गाइज आप पार्शल पार्शली क्लाउडेड क्लाउडी वेदर में आप कर सकते हैं, वहाँ पर रॉक टाइप थोड़ा बूस्टेड रहता है, तो उसमें अगर आप करेंगे बेस्ट फ्रेंड के साथ तो आप इसको इजीली डुओ में हरा सकते हैं। सो गाइज फिलहाल अभी इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज। और अभी देखिए पार्शली क्लाउडी है गाइज, देखिए इस वेदर में अगर आप लोगों ने रेड लड़ ली तो भाई चुटकियों में मार दोगे, ऊपर से बेस्ट फ्रेंड के साथ लड़ोगे तो मतलब समझ जाओ यार क्या है कीड़ा लोग बार बार बोले। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइज़।